उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। नमस्कार। फिल्म जगत के बेहद कामयाब और सुरीले संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां के। वक्त के ग्रामोफोन पर दशकों से बज रहा है इस जोड़ी का सुमधुर संगीत, जिसे प्यार से दुनिया कहती है एलपी। तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना। संगीतकार जोड़ी के रूप में सफर शुरू हुआ पारस मणि से। वो जब याद आए, बहुत याद आए। और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पारस प्रतिभा के स्पर्श से सोना बनती गई एक से बढ़कर एक धुने। सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे। दशकों की इस संगीत यात्रा में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने अपने दिलकश संगीत से सजाए अनगिनत यादगार गीत। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी संगीत यात्रा के अनछुए पहलुओं की यादें बांट रहे हैं संगीतकार प्यारे लाल जी। सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। प्यारे जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। प्यारेलाल जी, लक्ष्मीकांत जी न केवल आपके संगीत के साथी थे बल्कि आपके लिए भाई जैसे भी थे। और हम ऐसे बात करते थे, आप अपनी ये बात खास है, देखिए कि लोग बोलते हैं कि 12 साल के बाद आदमी का ब्लड ग्रुप जो है वो भी एक हो जाता है। ऐसा हुआ कि शुरू में उनका अलग था, मेरा अलग ग्रुप था, अभी याद नहीं मेरा ग्रुप, मेरा बी है, बी पॉजिटिव है मेरा, उनका मुझे याद नहीं था। लेकिन उनका एंड में जब उनको तकलीफ थी तो मुझे देना था, तो मैं जाके दिया, तो मेरा नहीं ले सक रहे थे वो, क्योंकि मुझे प्रेशर है, तो वो प्रेशर वैसे नहीं लिया। तो मेरे बेटे का ग्रुप भी वही है, गौतम मेरा लड़का, तो फिर उसका खून लिया था। तो देखिए ना, एंड में ब्लड ग्रुप भी हमारा एक हो गया था। तो ये एक प्यार मोहब्बत, अभी लोग बिलीव करें नहीं करें, मुझे इससे कुछ नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट इज फैक्ट। आवाज मैं ना दूंगा।
हमेशा लक्ष्मी जी ने मुझसे हर एक चीज कभी छुपाई नहीं। एंड में भी बात जब की एंड में जी, वो भी मैं बाहर जब शो से उनसे फ़ोन किया सुबह 3 बजे वहाँ से, उस दिन संडे था और यहाँ वहाँ पे सुबह 3 थे, यहाँ कुछ टाइम बजा था कुछ 11:15 ऐसा सुबह का, तो उनकी बेटी को मैंने कहा कि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से तो मैं 2 दिन में पहुँच जाऊँगा इंडिया, तो सब शो अच्छे हो गए तो लक्ष्मी से बात करनी है। तो बोले सो रहे अंकल, वो सो रहे हैं, बोले थोड़ा उठा दो बात कर लो। तो आप बिलीव करेंगे वो जो बात किया उसके बाद में उनको बहुत तकलीफ हो गई और वो लास्ट टाइम में बात, उसके बाद जब मैं आया वापस तो ही वॉज इन कोमा। लेकिन आज तक भी उनकी यादें सब चीज़ें ऐसी कि मैं कोई चीज़ उसको उसमें नहीं लेता हूँ कि होता ना दुख मतलब होता ना ये है हम मिस करते हैं, वो कुछ नहीं है, ही इज विथ मी। आज भी मैं यही फील करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है जब आप ये मानते हैं कि वो गए नहीं और आपके साथ में हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे साथिया सो ना जाना कहीं, कसम है तुझे खो ना जाना कहीं, इसी नींद में डूब जाएगा तू, मुझे जिंदगी भर रुलाएगा तू, घड़ी दो घड़ी गम की ये रात है, अकेले नहीं हम खुदा साथ है, गिरे हैं तो क्या है संभल जाएंगे, कफस तोड़ कर हम निकल जाएंगे, बुरा वक्त है मगर गम नहीं, जुदा होने वाले कभी हम नहीं, हमें जिंदगी लूट सकती नहीं, कि ये दोस्ती टूट सकती नहीं, टूट सकती नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरी यात्रा में किन किन लोगों का सानिध्य आपको मिला, साथ आपको मिला? देखिए एक्चुअली की बताऊं आपको कि डिटेल वर्क बहुत किया हमने, जितने संगीतकार बड़े बड़े हुए हैं हम लोग की क्या गिनती की मैं बताऊं, मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। खुर्शीद अनवर क्या कंपोज करते थे वो लोग, खेमचंद प्रकाश जी, श्याम सुंदर जी, गुलाम हैदर साहब जिन्होंने लता जी को लाया है मजबूरी पिक्चर के अंदर, ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठ के हम देखते थे, आप समझे ना, लच्छी राम जी, धनी राम जी, आप समझे ना, बी एन बाली, महेंद्र सिंह, उस टाइम खायम साहब का नाम था शर्मा जी, अच्छा कि उस टाइम वॉर चल रहा था 47 की बात है, उसके बाद में मैं 52 में जब वहां था रंजीत में तो शर्मा जी नाम था इनका, वो हालात ने वो दो दिन के लिए जी, जी, जी। जब मैं मिला था हाँ। तब मैं उनसे उस टाइम सब बार बार काफी हाँ, जी, जी। तो क्या मैंने काफी वक्त चीजें देखी हैं और लोगों से मिला और सीखा। श्री रामचंद्र जी वॉज ग्रेट 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 कंपोजर। आज देखिए मेरे वतन के लोगों बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये ट्यून बनाई उन्होंने, बहुत दुख की बात है, बहुत कम लोगों को मालूम है श्री रामचंद्र जी की ट्यून है जी, बल्कि प्रदीप जी के बारे में तो लोगों को मालूम है, लता जी तो ऑफकोर्स शी इज द ग्रेटेस्ट, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने कंपोज किया है ये किसी को मालूम भी नहीं। अन्ना साहब के साथ में कुछ उनके साथ में वक्त, अन्ना साहब का तो ऐसा हुआ ना कि बहुत ओपन आदमी थे वो, अगर 6 बिलियन दूर से बात करेंगे तो आप यहाँ सुन सकते हैं, इतने दिल के खुले आदमी थे।
अगर नीचे आए तो मानो प्रत्यारणा साहब आ गए हैं थर्ड फ्लोर पर। तो उनसे जब काम मांगने गए तो मेरे पिताजी ने कहा कि हमारे घर में खाने की बहुत तंगी है, बहुत मेरे चार बच्चे हैं, उस समय चार थे जी, तो बहुत मुश्किल है। तो बोला ठीक है राम प्रसाद, एक काम करो, मैं एक नोटिस पढ़ा था छोटा सा, ये बजा के बोलो दिखा दो। तो वालिन साहब में था मेरे, बहुत इजी था वो आपके लिए कहा। हाँ मुझे, मैंने भाई क्या मैं सुना दिया हमको। तो बोला एक काम करो, आज शाम को वहाँ पे मद्रास ट्रेन जा रही है और तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इसको भेज दो लड़के को, तू जाएगा, तू जाएगा ना मेरे साथ में, मुझे बोला। मैंने मस्ती किया उनको, तो बोला शाम की ट्रेन है 9 बजे की, भेज देना। तो मेरे जेब में 150 रुपये थे, लक्ष्मी जी के पास में 150-200 रुपये थे। तो लक्ष्मी जी सेम ट्रेन में, मैं भी सेम ट्रेन में, देखिए कैसी होता है इत्तेफाक। और म्यूजिशियन लोग सेम, मतलब सुबह मिला उनसे मैं और शाम को रात की ट्रेन से हम मद्रास गए। उस टाइम पे 2.5 दिन लगते थे, रात को बैठो फिर सारा दिन फिर सारी रात, सुबह 10 बजे हम पहुँचते थे मद्रास। तो फर्स्ट टाइम मैं मद्रास गया था, वो पिक्चर थी देवता, उसमें वैम थी वैजयंती माला, अच्छा हीरोइन थी अंजलि देवी और रेखा जी के फादर जेमिनी गणेशन वो हीरो थे इस पिक्चर, उसका नाम था देवता। तो वहाँ हम लोग कुछ 1 महीना रहे और 1 महीने मैंने कुछ 5,500 रुपये कमाए लाइफ में फर्स्ट टाइम। उस समय 5,500 तो बहुत बड़ी। फिर मैं जाके बैंक में जाके वो 100-100 के नोट को 50-50 के किया, कुछ 10 के नोट लिए, कुछ 5 के नोट, 2-2 के नोट भी बनाए ताकि बड़ी अमाउंट लगे। और वो घर जाके और मेरे फादर के लिए मैंने 9 रत्न का होता ना वो डायमंड होता, डायमंड नहीं मतलब वो, हाँ वो ली थी मैंने, कुछ 1100 में लिए थी उस वक्त। तो वो मैं उनको दिया और तो मैं तो क्या देख रहा हूँ कि 15-20 दिन के बाद देखा तो एक लड़का बन के घूम रहा है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं बोला आपके लिए मैं लेके आया इतना अंगूठी, नहीं नहीं बेचारा वो पहने का अच्छा है। सच में संत जैसे थे, बिल्कुल मैं तो संत ही बोलता हूँ। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। उन्होंने कभी किसी से पैसे लिए नहीं, वो टैक्सी में बैठते थे सुबह, जेब में एक पैसा नहीं है, शाम तो घूमेंगे फिर किसी भी स्टूडियो चले जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी स्टूडियो चले जाएंगे, महबूब तारदेव या बॉम्बे लैब या फिल्म सेंटर, कहीं भी उतर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, कोई भी शागिर्द है पूरा टैक्सी पैसे दे दे, तो कुछ 250 रुपया 100-200 कुछ होंगे वो दे देता था, चले जाते थे। उन्होंने शागिर्द को तो इतना कुछ और इतना सिखा के, और देखिए उनकी कमाल ये थी मेरे पिताजी की कि सिखाने के बाद में उसको ले जाएं नौशाह साहब के पास, शंकर जी किशन के पास, एस एन त्रिपाठी के पास, श्री रामचंद्र जी जो दो उनके थे उनके पास ले जाएं, अगर नहीं बजाएगा इसको उठा देना। फिर पीछे खड़े रहते थे वो लड़का बजाए, अगर गलत बजाए तो मारते थे, और सिखा के उन्होंने काम में लगाया। सबको सलाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे।
पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती। रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती। रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। नाम अपना न बदनाम कर प्यारे। प्यारे जी, आपने बताया कि आप अरेंजर थे, आप लोगों ने कल्याण जी, आनंद जी और खयाम साहब जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ भी काम किया, तो ये जो शब्द हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं अरेंजर, अरेंजमेंट, तो प्यारे जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि संगीत की दुनिया में ये जो एक अरेंजमेंट शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा सुना जाता है, ये क्या है, थोड़ा सा हमारे आम श्रोताओं के लिए इसे बताइए। देखिए, ये अरेंजर जो निकला ना, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। ये अरेंजर कैसे हुए कि पहले क्या होता था कि म्यूज़िक जो होता था वो कंपोज़र जो है वो जो हारमोनियम बजाए, तो आपने गौर किया होगा कोई भी गाना हो, कोई भी गाना उसका म्यूज़िक होता था टन 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 आई बाहर कुछ भी आएगा, तो ये स्टाइल होता था। तो ये हारमोनियम का प्ले है, ये प्लेइंग जो है हारमोनियम का। तो हम जब वेस्टर्न म्यूजिक सीखते हैं तो हमको हर एक फैमिली जो म्यूज़िक के अंदर है, जैसे स्ट्रिंग, वुडविंड मतलब जो फूंक के इंस्ट्रूमेंट है, और ब्रास इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रम्पेट ये सब होते हैं, स्ट्रिंग के अंदर वायलिन, व्योला, चेलो, बेस, फिर प्रकर्शन, उसके अंदर अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिर उसके बाद में प्लेक्ट्रम इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बजाते हैं प्लेक्ट्रम से, ऐसे पूरी फैमिली है। फिर क्वायर है, वो अलग सिंगिंग है, जो चर्च म्यूजिक होता है, ये पॉप म्यूजिक, ये बात, ये सब बात में निकला है जिसका आपने इस्तेमाल भी किया अपने कहे के जी हाँ, फिर चाइम्स हैं, टिम्पनी है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमको सीखना पड़ता है। तो ये क्या, ये क्रिश्चियन लोगों ने ये चीज़ लाई कि भाई वायलिन है तो ये ऐसा बजेगा, जैसे वक्त ने किया कि हसी सितम, इसका अरेंजमेंट किया था सेबेस्टियन जी ने, मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि उनका भी अपना एक उनकी जगह है। जी जी जी, हर के दो पहलू हैं, एक जगह अच्छा होता है तो एक जगह बुरा होता है, एक जगह बुरा होता है एक जगह अच्छा है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। मेरा जूता है जापानी, आप सुनिए, और कंपोज भाई, तो उस ज़माने में क्या होता था, ये जो लिखते थे तो सेबेस्टियन जी जो थे ये थे वायलिनिस्ट, तब तक ये अरेंजर नहीं हुआ करते थे, गाना लिख लो और बजा लो। तो जब उनका हाथ टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था लेफ्ट हैंड, तो उसके बाद में फिर उन्होंने शुरू किया लिखना। तो वो क्या करे, जब लिखते थे तो पीछे पीछे कुछ नोट डालते थे जैसे गाना चल रहा है। तो हम लोग में क्या है कि वेस्टर्न के अंदर हम लोग बोलते काउंटर पॉइंट, काउंटर पॉइंट क्या होता है कि पीछे लंबे लंबे नोट्स चलते रहते, दैट इज काउंटर पॉइंट। तो ये कर क्या करते थे, जैसे गाना है मेरे जूते जापानी, तो पीछे कोरस या वायलिन तारी रारा तारी रारा, तो उसको एक बैकिंग मिलता था, जी जी जी, एक साउंड मिलता था। तो ये शुरू किया, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा। तो इसको एंटोन गोंसाल्विस साहब ने, कि वो जो अरेंज करते थे वो सिर्फ, हम इसको बोलते हैं फिफ्थ, जिसे बोलते हैं सरस पंचम, तो इंग्लिश में बोलते हैं टॉनिक नोट जो मेन नोट है, और परफेक्ट फिफ्थ मतलब पांचवा नोट जो पंचम है, तो जो पंचम है परफेक्ट फिफ्थ होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। आप मध्यम को तीव्र बोलेंगे, पंचम को तीव्र कभी नहीं बोलेंगे, जी, जी, जी। आप धैवत को कोमल बोल लेंगे, तो अगर धैवत कोमल हो गया तो पंचम तीव्र हो गया, और अगर मध्यम तीव्र हो गया तो पंचम कोमल हो गया, लेकिन पंचम फिक्स पक्का है तो हम नाम नहीं लेते उसका। जी, जी, जी। ये एक सिखाई है। तो फिर एंथनी गोंसाल्विस जी ने ये शुरू किया कि भाई लिखने के लिए कि भाई ये ब्रास है, ये ऐसे, फिर धीरे 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 फिर जितने और लोग आए उन्होंने भी शुरू किया, वो देखते देखते हमने भी शुरू किया। मेरे लाइफ के अंदर
पहले अरेंजमेंट जो किया है वो खैम साहब के लिए किया है, फिर सुबह होगी। लेकिन मैं कभी बिलीव नहीं करता हूँ इन शॉर्ट टर्म्स। आप देखें जितने भी कंपोजर हैं उन्होंने दो पिक्चर की, चार पिक्चर की, हमने हमेशा हरे के साथ 10 के ऊपर ही पिक्चर की। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। फिर सुबह होगी जो है उसका म्यूजिक जो है खयाम साहब के जो टोटल म्यूजिक जो है उसे उसका पूरा मिजाज पर अलग है, मतलब वो देखिए वो भी आप लोग बताइए। लेकिन जो म्यूजिक कंपोजिशन और गाने ये उन्होंने किया था, पूरा अरेंजमेंट वो हमने किया है, ये कोई नई बात नहीं है, सबको मालूम है इंडस्ट्री में। और मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे भी पसंद नहीं बोलने के लिए, मैं कुछ बोले लेना नहीं चाहता कि मैंने किया है, लेकिन मेरे लाइफ का फर्स्ट अरेंजमेंट जो किया है एज ऑफ आई थिंक 14। क्या बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, 14 साल की उम्र में जब लोगों को बहुत सारी चीजों की तमीज नहीं होती और आपने म्यूजिक अरेंज किया। वो सुबह कभी तो आएगी। हाँ। ये गाना जो है पहले मुकेश जी और माला सिन्हा ने गाया था, उसके बाद ने फिर से रिकॉर्ड किया मेवी स्टूडियो में, फिर आके आशा भाई ने गाया। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, इसके सभी गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक गाना उसका मुझे वो भी आता है, फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला। एक्चुअली ये एक अलग ग्रुप है पूरा, जो बहुत ही मतलब इनकी अलग एक क्लास है, दे आर ऑल क्लास लाइक मिस्टर खयाम, जयदेव जी, खयाम साहब, सज्जाद हुसैन जी, रोशन जी, समझिए अपना और भी कुछ नाम है, ये इनका एक अलग ही ढंग था। अच्छा प्यारे जी, आपको कुछ याद आता है क्या, आप अकेले तो नहीं 14 साल की उम्र में ये बतौर म्यूजिक अरेंजर शुरुआत करने वाले फिल्म इंडस्ट्री में? अब ये सब बड़ी बड़ी बातें छोड़िए, भगवान का सब है। आप देखेंगे तो मतलब अरेंजर जो है हाँ जी, इस एज के तो कोई किया नहीं, और इंडियन तो हम बहुत बोलते थे बाहिया क्या बोलते थे, क्योंकि हमें भी याद आता है जहाँ तक शायद कोई नहीं है, ये एक नई बात हमें जो पता चली, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अद्भुत बात है। 14 साल की उम्र बहुत ही छोटी उम्र होती है, और एक छोटी उम्र में एक बहुत बड़ा काम, खासतौर से संगीत जैसा मामला जहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि एक भी सुर लगा तो अपने आप पकड़ में आ जाता है, और वो परफेक्शन जो है इन सब चीज़ों में दिखाई पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि 14 साल की उम्र के हिसाब से बहुत छोटी थी आप। अपने चंद्र सेना जो है वो 16 होगा, 16 इयर्स, उसके बाद में इवन आप देखिए ना कि छिलिया पिक्चर जब थी, छिलिया पिक्चर के वक्त मेरे ख्याल से मनमोहन देसाई 18-19 साल के थे, तो वो तो ग्रेट बात है। वैसे कहते तो है कि प्रतिभा का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। जब आप लोगों ने ये पारस्मरणी की थी उस समय दोनों की उम्र क्या रही होगी? 23 साल का, 63, मैंने 40 का है ना, 1943 सितंबर, और आई एम हैप्पी कि आशा जी, लता जी, उनका भी सितंबर ही है। गली में दिल खो गया, इंडिया हो चुका।
एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, असद भोपाली, पारसमणि में जिन्होंने गीत लिखे, ही वाज ग्रेट ग्रेट पोएट। उनके साथ काम करने में इतना अच्छा लगा, क्योंकि बख्शी जी उस टाइम हमारे दोस्ती हो गई थी, जब जब फूल खिले वहाँ से, तो हमारी बात चलती थी, हम काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब है। जब जब फूल खिले का म्यूजिक तो कल्याण जी भाई ने दिया, आप उसमें? हम लोग असिस्टेंट थे ना। अच्छा। हमने लास्ट पिक्चर की, पहली पिक्चर की उनके साथ में चंद्रसेना, और लास्ट पिक्चर की हिमालय की गोद में, मैं तो एक ख्वाब हूँ, ये आखिरी गाना किया उनके। इस गाने का एक पीस सुनते हैं आप, जरूर सुनिए। इसमें फ्रेंच हॉर्न का पीस है, वो एक मोराइस करके वो सा प्लेयर था, he was world class musician, फ्रेंच हॉर्न प्लेयर। जी जी जी। तारारारा, आप सुनिएगा, उसमें उसने बजाया था। इसके लिए मुझे बहुत मतलब शाबाशी मिली थी, कल्याण जी बहुत खुश हुए थे। अब वो आपने खुद डिसाइड किया था कि इसको रखना, फ्रेंच हॉर्न। लक्ष्मी हमारा दोनों ऐसा था कि इसमें कुछ आप बोलेंगे ना, वो अजीब कुछ बात है, आखिरी आखिरी तो हम आंखों से बात कर लेते थे। ये तो लोगों ने 13, 14, 15, 16 किया है। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सवालों की रातें जवाबों के दिन, कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
प्यारेलाल जी, राज साहब के साथ में आपकी सीटिंग होती थी इसको, क्योंकि वो म्यूजिक पे मैं बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे। शंकर जयकिशन साहब के साथ में भी, अपने राइटर्स के साथ में, लिरिसिस्ट्स के साथ में और सिंगर्स के साथ में भी वो सीटिंग करते थे, तो आपके साथ में एक्चुअली राज साहब की हमारी दोस्ती बहुत पहले से थी। लक्ष्मी जी तो खैर 12:30 बजे निकल जाते थे पार्टी से, मैं हमेशा AN तक बैठा रहता था, जब तक पार्टी ख़त्म ना हो तब तक प्यारेलाल वहाँ रहेगा। मतलब मेरा इतना नाम था उस टाइम पे, पार्टी होती थी सनन सैन के अंदर या रीट्स या ताज, तो मैं जब जाऊँ अगर अंदर तो वहाँ के जितने बैरे होते थे जो ट्रे लेके घूम रहे हैं, तो वो पैक का होता था ग्लासेस से, तो जहाँ मैं दिखा उनको तो मुझे देख के वो एक ग्लास के अंदर और दो ग्लास के डाल के, मतलब मैंने यहाँ भी नाम कमाया है आप समझे ना। तो और रास्ता भी हमेशा एंड तक रहते थे, तो हमारी दोस्ती थी, तो मैंने काफी उनको देखा जी जी। और आई वॉज ग्रेट फैन ऑफ मिस्टर राज कपूर। उनकी क्या खूबी संगीत की अगर बात करें, नहीं उसके अलावा भी मैं, क्योंकि लक्ष्मी जी दिलीप कुमार और मैं राज कपूर, मैं बोला तुम्हारा दिलीप कुमार बेकार है, वो बोले तुम्हारा राज कपूर बेकार है, मतलब ऐसी दोनों ग्रेट है, दोनों ग्रेट है। तो रास्ता आपका, तो हम, मुझे सब बातें मालूम थी उनकी, कि हम साथ बैठा करते थे तो बोलते थे ये ट्यून मैंने बनाई है, या कभी ये मैंने ऐसा है, या मजे में आफ्टर सम मूड आने के बाद, तो हम लोग बहुत कॉन्शियस रहते थे। तो आपको ये बात सुन के ताजुब लगेगा, उनके साथ हमने कभी भी सेकेंड ट्यून नहीं बनाया, वरना हर एक के लिए हम क्या करते थे, हम 2-3 धुन बना के रखते थे, एक थोड़ा नरम, एक थोड़ा और गर्म, एक हिट, तो हम शुरू करते थे नरम से, फिर दूसरा फिर तीसरा, हाँ ये बहुत अच्छा, ये करना पड़ता था जी, ये। लेकिन इनके लिए, राज साहब के लिए हम लोग 25-25, 30-30, 35 धुने बना के और एक ही धुन सुनाते थे, और उनका भी ग्रेटनेस था कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि लक्ष्मी प्यारे ये नहीं यार कुछ और सोचते, नेवर। पाया जा तन लागे वो तन जाने
हालत को, हाँ मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ, मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ। ओ जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। अगर ये प्यार ना होता, मौसम का एहसास ना होता, गुल गुलशन गुलजार ना होता, होने का कुछ भी होता पर, होने का कुछ भी होता पर, ये सुंदर संसार ना होता मेरे इन ख्यालों में। खुद हंसता है हर पल, खुद ही खुद रोता है। ये रोग ला इलाज सही, फिर भी कुछ कराओ। ओ जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ जाओ, मेरे वैद्य को बुलाओ, मेरा इलाज कराओ। और नहीं कोई तो मेरे यार को बुलाओ। ओ जाओ जाओ जाओ, मेरे दिलदार को बुलाओ। ओ जाओ जाओ जाओ, मेरे यार को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। क्योंकि हमने इतना काम करते थे, इतने कॉन्शियस थे कि उनको राज साहब को म्यूजिक के बारे में सब मालूम। और पहली फिल्म में तो प्रूव भी कर दिया, जो सुपर डुपर हिट गई थी। और उसके अलावा नहीं, और देखे ना, वो खुद हारमोनियम बजाते थे, राग मालूम था, बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा क्लासिकल पूरा से उनको मालूम था, तबला बजाते थे और डफ तो इतना अच्छा बजाते थे कि क्या कोई बजाएगा। और उनका क्या था, वो समझ जाते थे बात को।
कि ये लड़के ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, तो बस एक हिंट देते थे। और मैंने एक दफ़ा जानबूझ के, अभी आप पूछ रहे इसलिए बता रहा हूँ और लोगों को भी अच्छा लगेगा, कि वो हमेशा गाया करते थे ऐसा ये वो कुछ भी, तो ये गाना चला था सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसमें एक पहला म्यूजिक है, फर्स्ट अंतरा म्यूजिक है, डा 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 डा, ये शायद आपको याद होगा। दिस कंपोज बाय मिस्टर राज कपूर। वो ऐसे गा दिए, मैंने लिख लिया और जब टेक हो रहा था तब मैंने कहा ये आपका पीस है। बहुत सुंदर पीस है। और ये फिल्मी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, उनको मालूम नहीं। वो हम जब गा रहे थे सत्यम, तो वह गाते गाते वो ऐसे ही गा रहे थे बस, तो उन्होंने ये इतनी धुन गाई थी और मैं उसको झट से लिख लिया, बताया नहीं उनको। मतलब बॉबी के लिए हम नहीं कर रहे थे, क्यों? ये आए थे मुकेश जी आए थे मेरे पास, तो बोला लक्ष्मी प्यारे तुम लोग को पिक्चर मिली राज साहब की, और जय कृष्ण जी की डेथ होकर कुछ डेढ़ साल हुआ होगा या एक साल ही हुआ होगा या 11 महीने, उस समय उन्होंने प्लान किया था बॉबी, तो मैं बोला नहीं हम तो नहीं करेंगे, तो शंकर जी आज हैं, तो बोला नहीं ऐसा कुछ वो नहीं है, शंकर जी का उनका नहीं जमता, या कोई बात होगी आपस में उनको तो नहीं देंगे पिक्चर, तो बोला तुम लोग नहीं करोगे तो कल्याण जी आने जो सेकेंड नेम है, आर डी बर्मन थर्ड नेम है, और फर्स्ट नेम हम लोग का था, तो लक्ष्मी हमने बोला ठीक है हम करेंगे, और नेक नियत से सच्चे दिल से, ये नहीं कि या दिखाएं ये वो कुछ नहीं,
बहुत अच्छे दिल से हमने इसका म्यूजिक किया, फिर उसके बाद में उसका म्यूजिक अच्छा गया। क्या किया इन्होंने, वही किया जो शंकर सिंह करते थे, जो राज कपूर का करते थे। तब एक कुछ प्रेस के कुछ लोग थे, उन्होंने बोला ये क्या, तो वही म्यूजिक दिया जो शंकर सिंह देते हैं या वही है। तब हमने बात की उन लोगों से और छोटे कुछ लोगों को बुलाया हमने, हमने बोला एक काम कीजिए, हमने मनोज कुमार के लिए पिक्चर की है और करने वाले हैं, ओम जी के लिए की, इनके लिए की, उनके लिए की है। इस तरह का म्यूजिक आपने देखा उसमें, आया सावन झुमके या राज खोसला, मैं देखूँ जिस ओर से खेरी सामने मेरे सावरिया, या करीब आए नज़र मिले मिले ना मिले, आप समझे ना, या जीवन डोर एक अलग पत्ते की थी पारस मैंने, उसमें आपको इस तरह को म्यूजिक मिला, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रोड्यूसर हैं राज कपूर, उनकी चॉइस है और हम भी शंकर सिंह के फैन हैं, हम उस तरह का म्यूजिक दे सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हमको लिया है, क्योंकि उनका मिजाज, क्योंकि उनको मालूम है कि ये भी इनके ही फैन हैं, उन्होंने देखा कि भाई इनके म्यूजिक के अंदर उनकी झलक है, लेकिन हमने दोस्ती से वो कट कर दिया था, कि हमने देखा कि अगर हम उसी क्षण में रहेंगे तो हम आगे नहीं जा सकते, तो आप देखेंगे दोस्ती का म्यूजिक बिल्कुल अलग है। अखियां बंद करोगी कब तक,
कुछ हो तो पे झलके तुम्हारी हंसी, कुछ कुछ हो तो पे झलके अभी अभी आंखों से झलके, अभी कुछ कुछ हो तो पे झलके तुम्हारी हंसी, कुछ कुछ हो तो पे झलके फिर भी मुख पे हाथ धरोगी तब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई आई रे हंसी आई, देखो जी किरण सी लहराई आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी तब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई आई रे हंसी। बॉबी राज साहब का सपना था और आप उनके साथ में जी हाँ शंकर जयकिशन जो है चांस मिला। जी हाँ चांस मिला। तो जब वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई उसने तो एक इतिहास रच दिया उस फिल्म ने। जब पहली खबर आई राज साहब ने कुछ फोन वोन किया आपको, क्या कुछ क्या रिएक्शन था? नहीं कुछ नहीं, हम लोग बैठ के पिया का घर का ट्रायल देख रहे थे। लोटस सिनेमा है ना, लोटस सिनेमा था इस जमाने में, वहाँ पर तीन बिल्डिंग थी, उसमें इम्पा हाउस था छोटा सा उस जमाने में। तो वहाँ पे इम्पा हाउस के अंदर एक थिएटर था, उसमें हम पिक्चर देख रहे थे पिया का घर का ट्रायल। तो ट्रायल जैसा हुआ तो वहाँ आए थे मुकेश जी आए थे, और ये बात जो बताया ना मैंने कि तुम घर नामने वाला नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं तुम लोग करो। और वहाँ पे जब हुआ उसके बाद में फिर उनसे टाइम लिया हमने, और हम जब उनसे मिलने गए पहले तो हमने ये गाना मतलब कंपोज करके गए थे कि चाबी खो जाए। अच्छा। उस टाइम को क्या लगा था, बॉबी जो है हीरो का नाम है। अच्छा। क्योंकि बॉब होता है ना, तो बॉबी हीरोइन हो गया ऐसा लगा नहीं था। हाँ, हाँ, तो बाद में फिर चाबी खो जाए के साथ बॉबी वो है ना जी, 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 वो ऐसा क्या था जी, 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 वो बाद में चेंज किया बख्शी जी ने। हाँ, हाँ, नहीं तो हमने ये हमने कंपोज करके गए थे गाना, और हमको उन्होंने हम जब गए उधर तो फिर अच्छी बात हुई, और हमको एक एक गिन्नी दी उन्होंने। उनका हमेशा था राज साहब, हमेशा उनका था कि अरे पिक्चर जब शुरू करते थे तो एक एक गिनी हम लोगों को देते थे। यादों के आप सुन रहे थे फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारे लाल जी से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। तकनीकी सहयोग दिया स्वाति भंडारकर और जेटी महाजन ने।
इस कार्यक्रम को संपादित किया कमल शर्मा ने। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।